हेलो बच्चों, मैं हूँ सुमित सर। आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों इसको आप ध्यान से देखें और एक एक बात को बारीकी से समझने का प्रयास करें। हालांकि मैंने सूत्र के लिए एक अलग वीडियो बनाया है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बच्चों, वहां आप जाके देख लेना। लेकिन फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप ट्रिकी मेथड से एक बार देख लें, ताकि आपके मस्तिष्क में वो फॉर्मूला रहे, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो फिर मैं बिना कोई देरी के आपके सामने फॉर्मूला प्रस्तुत करता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखें। त्रिकोणमिति, तीन कोण की माप, तीन कोण का मान ही त्रिकोणमिति है। और पूरे त्रिकोणमिति में, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया, पहले भी आपको स्पष्ट किया है कि एक समकोण त्रिभुज तो होगा ही होगा। और समकोण त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी का दो कोण आपका न्यून कोण होगा, यानी 90 से वो कम होगा। ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ABC। इस समकोण त्रिभुज में तीन हैंड जो है, AB, BC और AC, इसका पहले आप नेम को समझ लें। इसको कर्ण बोला जाता है, नीचे जो बेस है ये आधार कहलाता है, और उसके बाद ये AB जो लंबा खड़ा है इसको आप लंब कह सकते हैं। इसमें जितने भी इस चैप्टर में सूत्र का इस्तेमाल होगा वो आप एक बार देख लें बच्चों ध्यान से। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये छह फॉर्मूला आपको बार बार आएगा। इसको याद करने का बड़ा ही एक आसान सा ट्रिक हमारे पास है बच्चों, उसे देख लें, आपको याद तुरंत हो जाएगी। हम लोग अपने अंकल को प्यार से, हमारे देसी लैंग्वेज में अपने चाचा जी को प्यार से लाल काका बोलते हैं। हालांकि अभी ये प्रचलन बंद हो गया है, अभी लोग इंग्लिश में अंकल बोलते हैं। तो लेकिन पहले के जमाने में लाल काका बहुत फेमस था, इसलिए आप लाल काका ये वर्ड याद कर लें। LAL, लाल, KKA, काका। L फॉर लॉ होता है बच्चों, ऐसा समझना, ये ट्रिक्स है। हालांकि लंब का परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होता है इसकी इंग्लिश, लेकिन आपको यहाँ ट्रिक के हिसाब से L को लंब समझना है। L आपको लॉ हो गया, लंब हो गया, उस हिसाब से A आपका आधार कहलाएगा, और K जो है ये कर्ण को इंडिकेट करेगा। अब ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे बच्चों, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण और A फॉर आधार। अब लाल काका के हिसाब से सूत्र आपका एडजस्ट हो जाएगा। देखिए किस तरह से साइन है, L बाय K है, L फॉर लंब और K से कर्ण हो जाता है। कॉस देखें बच्चों, A है, A से आधार हो गया और K से कर्ण हो गया। फिर L बाय A है, L फॉर लॉ, लंब हो गया और A फॉर आधार, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक इसका तीनों का अपोजिट कॉसेक, सेक और कॉट होता है, इसका ठीक अपोजिट कर लेना है। दैट मींस काका को ऊपर और लाल को नीचे, ये काका बटे लाल कर लेना है। या फिर आप इसका भी अपोजिट लिख सकते हो, जैसे कर्ण बटे लंब, यहां लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब यहां लिख सकते हैं, या फिर के फोर कर्ण, एल फोर लंब, डायरेक्ट उल्टा दे और यहां से ही देख के लिखे। फिर है के बटे ए, तो के से कर्ण हो गया और ए से आपका आधार हो गया। और आपका लास्ट है कॉट के लिए, कॉट के लिए ए से आधार ले ले और आपका L से लंब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हालांकि फॉर्मूला के लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना बच्चों। उसके बाद फिर तीनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है, कर्ण का अलग होता है, लंब का होता है और आधार का होता है। तो कर्ण का सूत्र हम यहां लिख देते हैं बच्चों। कर्ण जब भी लिखेंगे, इसका ट्रिक्स बच्चों याद करने का है कि कर्ण जब भी लिखेंगे, किसी एक को लिखेंगे तो दो अंदर जाएगा, तो हम कर्ण लिख रहे हैं तो अंदर लंब और आधार चले जाएगा। तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और जब हम लंब लिखेंगे तो फिर ये दोनों अंदर आएगा। तो लंब का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो अंडर रूट
कर्ण चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे कर्ण को ही पहले लिखे बच्चों, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और जब आप आधार ले रहे हो तो कर्ण और लंब स्क्वायर उसको लिखते हैं, तो आधार इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से बच्चों सारे 8.1 में जितना भी फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उम्मीद करते हैं इसको आप पहले से भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको पॉज करके आप अच्छे तरीके से देख लें। अब मैं इससे रिलेटेड मैथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 8.1 को अच्छे तरीके से समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आप मेरा एक ये मैथ देख लें। इस मैथ को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत हद तक चैप्टर्स को अच्छा से समझिएगा, इसलिए मैंने एक मैथ अपना खुद का दिया है। ये बच्चों इस तरह से जो लंबा खड़ा है इसको लंब बोलते हैं, तो लंब आपका ऑलरेडी 3 cm है और नीचे को हमने आधार कहा था तो ये आपका आधार 4 cm है। और व्हाट का चिन्ह दिया बच्चों, कर्ण इसमें गायब है, ये कर्ण आपको निकालना है कि कर्ण आप किस तरह से निकालोगे। ध्यान देना बच्चों, कर्ण का मैंने आपको सूत्र बताया था अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इस जगह पर आप सूत्र को पहले देख देख के प्लांट कर देंगे, उसके बाद बच्चों देख के आप वैल्यू को, लंब का वैल्यू दिया हुआ है इस फिगर में, लंब आपका 3 cm है तो ये 3 आप यहां पर प्लांट कर दोगे स्क्वायर। आधार बच्चों दिया हुआ है 4, तो यहां पर आप आधार के स्थान पर 4 का स्क्वायर डाल दोगे इस तरह से, जो कि बहुत आसान है। आपको लंब और आधार दोनों मान दिया हुआ है वो देख देख के लिखते, कभी कर्ण दिया रहेगा तो कर्ण किस कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा वो सूत्र के हिसाब से आप यहां डाल दोगे। फिर उसके बाद 3 पर स्क्वायर का मतलब 3 × 3 होता है, 3 किया ही 9 करना है यहां, फिर 4 × 4 = 16 हो जाएगा, इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए 16 × 9 = 25, इसका वर्गमूल 5 होता है 5 cm, तो ये 5 cm आपका आंसर है, कर्ण का वैल्यू 5 cm आया। अब बच्चों अगर मान लीजिए आपका कर्ण भी ऑलरेडी आ चुका है और आपसे पूछा जाए कि आपको साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो फिर आप किस तरह से निकालोगे। बहुत आसान है, कोई कोई क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो फिर सारे का सूत्र लिख के आप मान डाल सकते हो। जैसे आपसे साइन पूछा जाएगा तो साइन का पहले फॉर्मूला आपको डाल देना है, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका वैल्यू दिया हुआ है 3 cm, वो यहां से देख लेना है, और कर्ण आपका दिया हुआ है 5 cm, 3/5 लिखिए आपका आंसर क्लियर करता है। साइन के बाद अगर मान लीजिए आपको कॉस निकालने के लिए कहा गया तो कॉस का होता है फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होगा, आधार आप देख के लिख लो, आधार 4 दिया हुआ है वो यहां पर आप 4 लिख दें, और उसके कर्ण आपका 5 दिया हुआ है वो यहां पे लिख दें। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू साइन कॉस के बाद जैसे टेन का निकाल सकते हैं, कॉसेक का निकाल सकते हैं, कॉट का आप निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बहुत टेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप अच्छी तरह से सबसे पहले सारे का सूत्र लिख के उस पे वैल्यू को देख देख के बैठा सकते हैं। आप इसको पॉज करके देख लें बच्चों, अब मैं आपको डायरेक्ट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताता हूं, ध्यान देंगे बच्चों। अब आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, आप तो जानते हो कि त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज ही होती है, तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, एक त्रिभुज है, मैं आपको क्रिएट कर देता हूं फिगर बच्चों, ये एक त्रिभुज है और वो भी समकोण त्रिभुज है, और ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो याद रहे आपको ये समकोण जहां पर 90 डिग्री है वहां पर आपको बी डालनी है। उसके बाद ABC था तो बी तो हमने डाल दिया, ए यहां डाल देते हैं, सी यहां डाल देते हैं, इस तरह से एक ABC आपके पास समकोण त्रिभुज हो गया, आप देख सकते हो, जिसमें AB बच्चों दिया हुआ है 24 cm, AB आपका 24 cm है, तो आप AB के स्थान पर ये आपका AB है, यहां पर आप 24 cm डाल दें। ध्यान देना बच्चों, बहुत VVI क्वेश्चन है और कुछ अलग बात भी इसमें आएगी। AB 24 है और BC 7 cm है, तो ये BC आपका दिया हुआ है, तो ये BC हमने यहां पर 7 cm क्रिएट कर दिया। जो भी वैल्यू है हमने देख देख के लिखा, AB 24 cm है और BC 7 cm है।
ध्यान देना बच्चों, ए से बी तक 24 और बी से सी 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने देख देख कर लिख दिया। उसके बाद बच्चों कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करें। आप देख रहे हो इसमें ए सी गायब है, हमसे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी पूछा जा रहा है। एक बात पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं बच्चों, कर्ण तो फिक्स है, ये जो शंकु 90 के जो सबसे आगे होगी, 90 डिग्री के आगे वाली जो भुजा होगी, संपूर्ण के जस्ट आगे वाली जो भुजा होती है वो आपका कर्ण कहलाता है। ये कर्ण फिक्स होता है, लेकिन लंब और आधार फिक्स नहीं होता है बच्चों। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि त्रिभुज अभी इस तरह से, हमने इसको इस तरह से गिरा दिया, ये 7 को इधर उठा दिया, 24 को गिरा दिया, तो 7 फिर लंब बन जाएगा। तो ये लंब कैसे पकड़ना है कि कौन सा लंब होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। पहले कर्ण जो इसमें गायब है उसको पहले निकाल लिया जाता है, सभी भुजा चाहिए तभी आप सबका वैल्यू निकाल पाएंगे। इसलिए पहले आप ए बी और बी सी जो दिया हुआ इससे पहले कर्ण निकाल लें। और कर्ण का सूत्र आपको आता होगा, कर्ण का फॉर्मूला हमने बताया था, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, एक दो का तब मान निकालेंगे, कर्ण का मान लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपका 24 स्क्वायर प्लस आधार आपका 7 हो गया, 7 स्क्वायर। 24 को आप दो बार गुना करें, 24 गुना 24 576, 7 को दो बार, 7 गुने 7 49 होता है, दोनों को आप जोड़ दीजिए 625, और इसका वर्गमूल जो होता है बच्चों वो आपका होता है 25 cm। इस तरह से आप कर्ण 25 cm निकाल लिए। अब मेन मुद्दा इसका जिस पर कि आपको विशेष गौर करना है, ये तो आप ऑलरेडी समझ ही गए हो कि कर्ण के कर्ण का सूत्र लिख के कर्ण का अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के हिसाब से हमने दोनों का वैल्यू यहां बिठाकर 24 गुना 24 576, 7 गुना 7 49, दोनों को ऐड किया गया 625, इसका रूट आता है 25 cm। अब आपसे पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन के रूप में साइन ए और कॉस ए, नंबर एक में आपसे पूछा जा रहा है साइन ए और कॉस ए पूछा जा रहा है। साइन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। अब सबसे बड़ी बात है कि लंब और कर्ण क्या है। कर्ण तो फिक्स है 25 है, लेकिन लंब फिक्स नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी तो ये लंब है, लेकिन जब त्रिभुज को ऐसी गिरा देंगे तो ये 7 वाला ऊपर उठ जाएगा, तो उस परिस्थिति में 7 लंब हो जाएगा, फिर ये आधार हो जाएगा। अभी ये लंब और ये आधार है, इस तरह से नहीं होगा। आप यहां ध्यान दें, ए ए मतलब यहां ए है, जब ए की बात चल रही हो तो लंब ये सामने वाला हो जाता है, यानी कि लंब आपका भी 7 हो जाएगा और कर्ण ऑलरेडी 25 दिया हुआ है ही, तो यहां पर 25। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण। अब आप कॉस देखिए, कॉस के लिए ए है, तो ए के लिए आधार क्या होगा, जब लंब 7 है तो ए के लिए आधार 24 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ए पर जब हम खड़े हैं और आगे देखते हैं तो लंब जब 7 है तो आधार 24, तो आधार आपका हो गया 24 और कर्ण आपका हो गया 25। इस तरह से आपका आंसर फेस हो जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर टू। नंबर टू में आपसे पूछा जा रहा है साइन सी और कॉस सी, इस पर जो गौर करना, साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब सबसे बड़ी बात है कि सी की बात चल रही है, जब आप सी पर खड़े होते हैं तो सी के लिए लंब आपका ये 24 हो जाता है, यहां की बात जब चले तो लंब ये वाला होगा बच्चों, ए की बात चले तो लंब नीचे वाला होगा, सी की बात चले तो लंब ऊपर वाला होगा, इस बात को आप याद रखें। तो अभी सी की बात चल रही है तो लंब आपका हो गया 24 और कर्ण हो गया आपका 25। इस तरह से ये आंसर हो गया। उसके बाद आपसे कॉस सी पूछ रहा है, तो कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार और नीचे होता है कर्ण, और सी आधार, सी के लिए आधार आपका ये 7 हो गया, जब सी पर है तो लंब ये, तो आधार 7, तो 7/25। इस तरह से बच्चों आपका आंसर क्रिएट हो जाता है। उम्मीद करता हूं इसे आप समझ गए होंगे, इसे पॉज करके बच्चों देख ले आप, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करके दिखाता हूं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, आकृति में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। ये भी पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में लंब और आधार में दिक्कत हुई है तो आप इसको देख लें, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे बच्चों।
आकृति में, इस आकृति में ये फिगर देख रहे हैं, ये कर्ण को इंडिकेट कर रहा है और लंब आधार फिक्सेशन नहीं है। पी की बात होगी तो लंब ये नीचे क्यू आर कहलाएगा, आर की बात होगी तो लंब ये पी क्यू कहलाएगा। इससे बच्चों ध्यान से देखना, अब इसमें पी क्यू 12 cm और पी आर कर्ण 13 दिया हुआ है, क्यू आर गायब है। जो गायब है पहले उसका वैल्यू आप निकाल ले। क्यू आर आपको मालूम ही होगा कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण को पहले अंदर लिखेंगे, 13² और -12² 13 को आप दो बार नापें, 13 × 13 169 होता है बच्चों, और 12 × 12 144। इस दोनों को लेश करें, 25 का वर्गमूल 5 cm, यानी कि ये आपका 5 cm QR का वैल्यू आ जाता है। अगर आप इसको आधार ही समझते हैं तो सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसी सूत्र के हिसाब से बच्चों हमने यहां पर वैल्यू निकाल लिया। अब आपसे कहा गया है टेन पी माइनस कॉट आर ज्ञात कीजिए, तो यहां आप लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न से टेन पी माइनस कॉट आर आप यहां पर लिखते हैं, टेन पी माइनस कॉट आर। सूत्र तो आपको आता ही होगा बच्चों, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। अब इस बात को गौर करना है बच्चों आपको कि लंब क्या है, टेन में लंब आपका है 12, सॉरी पी देखिए बच्चों पी है, तो पी जब देखेंगे तो लंब मेरा ये 5 जाएगा। जब पी की बात चल रही है तो सामने वाला लंब होता है ये 5 लंब हो जाएगा और आधार आपका हो जाएगा 12। और जब कॉट आर की बात चल रही है तो आर के लिए लंब 12 था, आधार 5 हो गया। तो आपसे आधार पूछना था, आधार 5 की ओर गौर करेंगे बच्चों, ये 5 को लिखेंगे और लंब जब 5 ये आधार है तो लंब 12 हो गया। ये 5/12 में से 5/12 गया 0, ये प्लस माइनस कट जाता है, 0 आपका आंसर आ जाता है। तो इस बात का आप बच्चों हमेशा ख्याल रखना कि अगर पी पे खड़े हो, पी की बात चल रही हो, पी की बात हो तो लंब आपका ये वाला कहलाएगा आधार ये, जब आर की बात चल रही हो तो लंब 12 कहलाएगा आधार 5 कहलाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके सेकेंड पार्ट में मैं 8.1 का और क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो और आप मैथ अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब श्योर करें। थैंक यू।